टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों धमाकेदार फॉर्म में है। पहले बांग्लादेश और फिर श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने धमाकेदार सेंचुरी जड़ी। विराट कोहली की बल्लेबाजी तो चर्चा में है ही, साथ में इन दिनों विराट कोहली जिस तरीके से धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं उसकी भी काफी चर्चा है। पहले नीम करौली बाबा के कैंची धाम मंदिर, फिर वृंदावन और अब कोहली ऋषिकेश के आश्रम में संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा उत्तराखंड के एक आश्रम में पहुंचे। दोनों ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुरु दयानंद सरस्वती आश्रम में संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान विराट और अनुष्का की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उत्तराखंड के आश्रम में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को उनके प्रशंसकों ने घेर लिया। ऐसे में क्रिकेटर विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कोहली फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे हैं और उन्हें चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। इस दौरान लोग उनका वीडियो शूट कर रहे हैं, तभी विराट कोहली एकदम धीरे से कहते हैं, भाई आश्रम है ये। बता दें, विराट कोहली जिस तरीके से तमाम आश्रम में जा रहे हैं इसकी काफी चर्चा है। 17 नवंबर को विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ बाबा नीम करौली के कैंची धाम मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा से आशीर्वाद मांगा था। बता दें, विराट कोहली बाबा नीम करौली महाराज पर गहरी आस्था रखते हैं। T20 विश्व कप में मिली हार के बाद भारत लौटते ही विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ 17 नवंबर को नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली के कैंची धाम मंदिर, काकड़ी घाट और हनुमानगढ़ धाम पहुंचे थे। बाबा नीम करौली धाम पहुंचकर विराट कोहली ने पूजा अर्चना की थी। इस दौरान एक सप्ताह तक वो नैनीताल में ही रहे थे। यहां विराट कोहली ने बाबा के सभी मंदिरों के दर्शन किए थे। विराट कोहली श्रीलंका सीरीज से पहले वृंदावन भी गए थे। अब कोहली उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुरु दयानंद सरस्वती के आश्रम में संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं।